सो है गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे बंधन बैंक को लेकर। बंधन बैंक ने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट डिस्क्लोज किए हैं, तो कैसे रहे हैं क्वार्टर वन के रिजल्ट्स और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें कैसा देखने को मिलने वाला है, तो चलिए जानते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी अनऑडिट फाइनेंशियल रिजल्ट्स दिए गए हैं। ऑल फिगर इन रुपीज, लाख में, करोड़ में कन्वर्ट करेंगे। ये करंट क्वार्टर, ये प्रीवियस और ये प्रीवियस ईयर का सेम क्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। जो इंटरेस्ट से अर्न किया आपकी बार वो कितना है, वो है लगभग आप लोग देखोगे 553,582 लाख करोड़ में कन्वर्ट कर, तो 5,535 करोड़ की हमें जरा भी इंटरेस्ट से अर्न करते हुए नजर आया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में ही है और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से इंक्रीज हुआ है भैया। ठीक है, इसके बाद आप लोग देखोगे टोटल इनकम, जो टोटल इनकम है वो क्या है, 6,063 करोड़ की, प्रीवियस में 5,883 करोड़ की, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 4,908 करोड़ की। तो ईयर टू ईयर इसके इनकम में गिरावट जंप है एंड क्वार्टर टू क्वार्टर भी इनकम में जंप है, तो ओवरऑल इनकम अच्छी है। इसके बाद एक्सपेंस देखोगे, यानी जो खर्चे रहे हैं टोटल एक्सपेंडिचर, तो आपके पास जो टोटल एक्सपेंस है वो कितने, 4,122 करोड़ के, प्रीवियस में क्या थे भी 4,044 करोड़ के, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करोगे वहाँ पर 3,345 करोड़ के इसके एक्सपेंस थे। तो एक्सपेंस ईयर टू ईयर भी इंक्रीज हुआ एंड क्वार्टर टू क्वार्टर भी हमें इंक्रीज होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा आप लोग देखोगे अब की बार जो इनकम है वो इसके एक्सपेंस से तो ज़्यादा ही है, मतलब फिर से बैंक ने प्रॉफिट ही बनाया है। बट उससे पहले आप लोग देखोगे प्रोविजन्स, जो प्रोविजन्स हमें देखने को मिली है वो 522 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में क्या थी 1,774 करोड़ और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 602 करोड़। तो ईयर टू ईयर इनके प्रोविजंस में जब गिरावट है, बट क्वार्टर टू क्वार्टर में प्रोविजंस में जंप देखने को मिल रहा है। तो अब की बार जो इसका नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी लगभग 1,063 करोड़ का, जबकि प्रीवियस में क्या था 554 करोड़ का भाई, और वहीं प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करोगे वहाँ पर 721 करोड़ का इसका प्रॉफिट था। तो क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर टू ईयर आप लोग देखोगे प्रॉफिट्स में जबरदस्त जंप रहा है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग देखोगे भी इसका अर्निंग पर शेयर यानी कि EPS, तो वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो EPS हमें देखने को मिल रहा है 6.60 रुपये के आसपास है, जबकि प्रीवियस में 34 पैसे था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 4.48 रुपये के आसपास इसका EPS था। अर्निंग से ठीक है भाई, और इसके आप लोग देखोगे अब नेट NPA, ग्रॉस NPA, नेट NPA की अगर मैं बात करूँ तो अबकी बार रहे अभी 1,396 करोड़ जबकि प्रीवियस में क्या थे 1,347 करोड़, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करोगे वहाँ पर 2,140 करोड़ थे। तो ईयर टू ईयर इसके NPA में गिरावट है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर जंप है भाई। ठीक है, वहीं ग्रॉस एनपीए की बात करें तो 5,304 करोड़ के रहे हैं, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 4,784 करोड़ थे और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करोगे 6,960 करोड़ से टूटे हैं। तो ईयर टू ईयर ये ग्रॉस एनपीए भी टूटे हैं। इसके अलावा आप लोग देखोगे भी रिवेन्यू सेगमेंट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। वीडियो को पॉज करके आप लोग डिटेल में देख लेना भी किस सेगमेंट से कितना रिवेन्यू जो ना भी कंपनी ने बनाया है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा भाई। इसके अलावा ये नोट्स पढ़ लेना अगर आपके पास बैंक के शेयर हैं तो। ठीक है, बस यही अपडेट है और तो कुछ आया नहीं अभी इसके अलावा। और मार्केट एक्सपेक्टेड से कर लेते हैं अब इसको कंपेयर भी, तो उसका इम्पैक्ट कैसा रहेगा। तो मार्केट एक्सपेक्टेड की अगर मैं बात करूँ EPS की सबसे पहले, तो EPS जो EPS एक्सपेक्ट किया गया था 4.72 रुपये के आसपास, आया कितना है, आया तो 6.60 रुपये, बीट किया है। इसके बाद देखोगे रिवेन्यू, तो रिवेन्यू जो हमें देखने को मिला रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या फिर आप लोग देखोगे इंटरेस्ट जो अर्न किया है, ठीक है, वो हमें कैसा देखने को मिल रहा है, लगभग 5,000 करोड़ प्लस का ही ना, तो 3,044 करोड़ के आसपास का एक्सपेक्ट किया है, 444 करोड़। तो ठीक है अभी, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, इंपैक्ट बिल्कुल पॉजिटिव देखने को मिलेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।